हेलो एवरीवन वेलकम टू फॉर नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आई एम नीरज कुमार कैथल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग की यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है ये क्यों करवाया जाता है इसके बारे में पूरी बात करेंगे मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था और आपने इस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी लेकिन फिर भी इस पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है इसे कंटिन्यूसली डिस्कम्फर्ट रहता है फीवर रहता है डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग होता है आदि सिम्टम्स आते हैं तो जब एंटीबॉडीज़ का आप एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाते ऑर्गेनिज्म का आप आइडिया एग्जैक्ट नहीं लगा पाते तो आप क्या करते हैं आप कहते हैं इस पेशेंट से कि आप अपना यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट कराएं। जब पेशेंट यूरिन का सैम्पल देकर उसका कल्चर करवाता है तो उस कल्चर को आइडेंटिफाई करके हम ये पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट को कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया है वायरस है फंगस है क्या है इस चीज़ का एग्जैक्टली exactly हमें आइडिया मिल जाता है और फिर उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रीटमेंट के लिए हम स्पेसिफिक मेडिसिन या एंटीबॉडी को सॉरी एंटीबायोटिक मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं सो so, सिंपली यदि हम कहें तो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग के द्वारा हम ये कन्फर्म पता कर लेते हैं कि किसी पेशेंट को किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हुआ है और उसके लिए फिर हम स्पेसिफिक मेडिसिन देकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं आइए इसे आप जानते हैं यूरिन टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ माइक्रो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट दिस भी पेशेंट का यूरिन सैंपल लेकर उसका कल्चर करवाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आवश्यक है अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी एंटीबॉडी मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन हेल्पफुल है इस चीज़ का डिटर्मिनेशन सेंसिटिविटी कहलाता है होपफुली क्लियर कल्चर और सेंसिटिविटी एग्जैक्टली क्या होता है आप समझ गए होंगे अब हम बात करते हैं कि इस प्रोसीजर को करते समय हमें क्या क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए सबसे पहले हम पेशेंट को ये टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है और ये टेस्ट किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में बताएंगे एक्सप्लेन द पर्पज एंड प्रोसीजर टू पेशेंट और क्लाइंट नेक्स्ट क्लीन द पेरिनियल एरिया एंड यूरिनरी मीटर्स विथ अ बैक्टीरियो इस्टेटिक सॉल्यूशन अब सैंपल कलेक्ट करने से पहले आपको पेशेंट का जो पेरिनियल एरिया है यूरिनरी मीटर्स वाला एरिया है इन दोनों ही लोकेशंस को बैक्टीरियो इस्टेटिक सोल्यूशन से क्लीन करना है बैक्टीरियो ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है बैक्टीरियो सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज कर देते हैं रोक देते हैं इसके अलावा एक होता है बैक्टीरियो सीडल बैक्टीरियोसिडल ऐसे सॉल्यूशन या मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं यहाँ पर याद रखिएगा हमें बैक्टीरिया को किल नहीं करना है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसे जीवित रखते हुए उसका सैंपल लेना है तो यहाँ पर बैक्टीरियो स्टेटिक का इस्तेमाल करेंगे और फिर कलेक्ट द मिड स्ट्रीम सैंपल इन स्टेराइल कंटेनर विथ अ क्लीन कैच एस्पेसिमेंट टेक्निक अब कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए जब भी आप सैंपल का कनेक्शन करेंगे तो उसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो है क्लीन कैच स्पेसिमेन टेक्निक इस टेक्निक के द्वारा हम पेशेंट को कहते हैं कि आप जब भी यूरिन का सैंपल देने के लिए यूरिन पास करें जो आपका पहला यूरिन हो यूरिन पास करते समय जो स्ट्रीम का फर्स्ट यूरिन होगा उसे तो आप डिस्कार्ड कर देंगे और उसके कुछ समय बाद आपको मिड स्ट्रीम से सैम्पल को कलेक्ट करना है मिड स्ट्रीम से सैम्पल को कलेक्ट करना है और अब पेशेंट द्वारा इस कलेक्टेड सैंपल को आप आगे स्टोर करेंगे या लैब में भेजेंगे याद रखिएगा कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए क्लीन कैच टेक्निक द्वारा मिड स्ट्रीम यूरिन इस्टेराइल कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है इफ़ क्लाइंट अनेबल टू गिव मिड स्ट्रीम सैंपल दैन सैंपल कैन बी ऑप्टेंड बाय स्ट्रेट कैथेटराइजेशन अब मान लीजिए कोई पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है सेमी कॉन्शियस है या वो इस स्टेट में नहीं है कि आप जैसा उसे इंस्ट्रक्शन दें उस हिसाब से वो मिड स्ट्रीम सैंपल आपको कलेक्ट करके दे दें तो उस सिचुएशन में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद आप इस पेशेंट में स्ट्रेट कैथेटराइजेशन करके सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट कैथेटराइजेशन करके सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है अगर पेशेंट आपको आपके बताए अनुसार सैंपल नहीं दे सकता तो सेंड द सैंपल टू लेबोरेटरी इमीडिएटली अब याद रखिएगा कल्चर एंड सेंसिटिविटी का जो सैंपल होता है वो जितना जल्दी हो सकता है आपको लैब तक पहुंचाना होता है थिंग्स मस्ट बी रिमेंबर वाइल्ड कलेक्टिंग सैंपल अब आपको सैंपल कनेक्ट कलेक्शन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है आइए इन्हें भी डिस्कस कर लें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिवेंट सैंपल फ्रॉम कंटेमिनेशन आपको सैंपल को पूरी तरह से स्टेराइल रखना है आपको किसी भी प्रकार से उसे कंटेमिनेटेड नहीं होना देना है अगर आपने सैंपल में कुछ और टच कर दिया उसे कंटेमिनेटेड कर दिया तो जब आप कल्चर करवाएंगे तो कल्चर के अंदर उस कंटेमिनेशन के कारण दूसरे बैक्टीरिया की भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और इसकी वजह से पेशेंट को एग्जैक्टली exactly कौन सी मेडिसिन देनी है इसका निर्धारण नहीं हो पाएगा तो याद रखिएगा सबसे पहले हमें पेशेंट को कंटैमिनेशन से बचाना है पेशेंट के सैम्पल को कंटैमिनेशन से बचाना है कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर सैम्पल कलेक्शन के दौरान ज़्यादातर कंटेमिनेटेड हो जा हो जाता है उन्हें हम जानते हैं सबसे पहली बात जो हैंड्स हैं स्किन है और हेयर्स हैं इन तीनों के टच में आपका सैम्पल नहीं आना चाहिए हैंड्स स्किन और हेयर्स इन तीनों से कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए नेक्स्ट कंटेमिनेशन होने की संभावना रहती है वेजाइनल और रेक्टल सिक्रेशन स्पेशली फीमेल्स में जहाँ पर जो रेक्टल और वेजाइनल ओपनिंग है वो काफ़ी क्लोज होती हैं तो इनमें कंटेमिनेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है तो हमें सैंपल कलेक्शन के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए इसके अलावा कंटेमिनेटेड क्लॉथिंग के टच में भी सैंपल को नहीं आने देना है अदरवाइज जो सैंपल है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है अब मान लीजिए सैंपल कलेक्शन के दौरान बाय चांस किसी वजह से जो सैंपल है कंटेमिनेटेड हो जाता है तो क्या करेंगे आप तुरंत इस सैंपल को डिस्कार्ड कर देंगे और नया सैंपल कलेक्ट करेंगे अगर आपको लगता है कि सैंपल कलेक्शन के दौरान स्टेराइल टेक्निक मेंटेन नहीं की जा सकी है सैंपल जो है कंटेमिनेटेड हो गया है तो आप तुरंत इसे डिस्कार्ड कर देंगे और नया सैंपल कलेक्ट करेंगे पेशेंट हु ड्रिंक्स टू मच फ्लूड्स देर यूरिन इज़ टू डायल्यूटेड टू प्रिवेंट पॉजिटिव कल्चर एक चीज़ और याद रखिएगा अगर कोई डायबिटीज़ इंसिपीडस का पेशेंट है या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा फ्लूड इंटेक कर रहा है तो उसका जो यूरिन होगा वो बहुत ज़्यादा डायल्यूटेड होगा और डायल्यूटेड यूरिन का कल्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है तो हम कह सकते हैं अगर पेशेंट को डाइल्यूटेड यूरिन आ रहा है तो उसमें कल्चर सैंपल थोड़ा मुश्किल होता है सो so एवरी ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट क्या है कैसे इसे करवाया जाता है अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वीडियो पूरा देखकर अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना ना भूलें उनके साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक